वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज स्टडी करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप केयरफुली इसे देखें और इसे कॉपी पर नोट कीजिएगा। देखिए आज के लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, सपोज दिस इज अ पॉइंट चार्ज क्यू, दिस इज सोर्स चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है, इसको अपन सोर्स चार्ज बोल रहे हैं। ये पॉइंट चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करेगा और इस फील्ड को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो स्पेस है, जो ये रीजन है, इसमें अगर कोई भी अपन टेस्ट चार्ज को रखें, अपन किसको रखें? टेस्ट चार्ज, ये है आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस चार्ज का जो नेचर है वो पॉजिटिव है और ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज एक स्मॉल चार्ज होता है जिसका नेचर पॉजिटिव होता है और ये खुद का कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं करता, इसका साइज बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से अपना खुद का कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं करता है। तो आपका ये जो सोर्स चार्ज है ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा। सपोज इसका नेचर पॉजिटिव है सोर्स चार्ज का, तो ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा? आउटवर्ड्स लगाएगा, बाहर की तरफ लगाएगा, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अ स्पेस अराउंड द चार्ज, अ स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनोदर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या एनोदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस इट्स इन्फ्लुएंस। एक्सपीरियंस इट्स इन्फ्लुएंस का मतलब है कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है किसके थ्रू? सोर्स चार्ज के थ्रू। किस पर? टेस्ट चार्ज पर। ये इन्फ्लुएंस है किसका? सोर्स चार्ज का। तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अ स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच एनोदर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस इट्स इन्फ्लुएंस, एक्सपीरियंस इट्स इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की? और स्पेस, स्पेस मतलब एक रीजन अराउंड अ चार्ज, किसी भी चार्ज के अराउंड जिसमें अगर किसी एनोदर टेस्ट चार्ज को रखा जाए तो वो उसका इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस करेगा। इन्फ्लुएंस का मतलब उसके फोर्स को क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा उस रीजन को, उस स्पेस को जहां तक ये फोर्स काम कर रहा है, उस रीजन को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच एनोदर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस इट्स इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य धनात्मक परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसके बाद अब ये विद्युत जो आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको भी अपन फाइंड आउट करेंगे बच्चों। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं अपन वेक्टर ई से। वेक्टर इसी लगाया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं ई से, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is defined as electrostatic force on unit positive test charge electrostatic force on unit positive test charge due to source charge. इसका मतलब है कि electric field intensity at a point in an electric field, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज. किसी सोर्स चार्ज के थ्रू टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल. जैसे मैं आपको समझाऊं कि सपोज ये आपका सोर्स चार्ज है क्यू, ये अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट पर निकालना चाह रहा हूं, तो यहां पर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 को रखूंगा. मैंने जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है मैंने वहां टेस्ट चार्ज रख दिया, कौन सा Q0. अब ये Q जो है वो तो है सोर्स चार्ज और Q0 कौन सा है आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. अब देखिए सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव नेचर का और ये भी पॉजिटिव नेचर का, तो जो फोर्स होगा वो रिपल्सन फोर्स होगा. सपोज कितना फोर्स लगाया इसने एफ, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वेक्टर एफ ये किसके थ्रू लग रहा है क्यू के थ्रू लग रहा है, किस पे क्यू नॉट पर. लेकिन हमारा टेस्ट चार्ज जो होना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होना चाहिए. तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E इज इक्वल टू, मुझे बताइए क्यू नॉट चार्ज पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है F, लेकिन हमें तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे चाहिए तो किसका डिवाइड कर देंगे अपन क्यू नॉट. भाई क्यू नॉट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो वेक्टर F है, तो यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट. लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, यहां एक कंडीशन है कि क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो होना चाहिए. Q0 टेस्ट टू जीरो का मतलब है जो आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो छोटा होना चाहिए. अब क्वेश्चन आता है क्यों छोटा होना चाहिए, क्यों स्मॉल होना चाहिए. अगर ये टेस्ट चार्ज स्मॉल नहीं हुआ तो ये अपना खुद का फील्ड भी क्रिएट करेगा इस पॉइंट पर, जिसकी वजह से इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा, एक तो सोर्स चार्ज के थ्रू और एक टेस्ट चार्ज के थ्रू. लेकिन हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर वो केवल सोर्स चार्ज के थ्रू निकालना है, उसके लिए हमें इस Q0 जो टेस्ट चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगलिजिबल लेना पड़ेगा, और नेगलिजिबल लेने के लिए उसका साइज भी क्या लेना पड़ेगा अपन को छोटा लेना पड़ेगा. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होगा वेक्टर E इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 होना चाहिए वेक्टर F अपॉन Q0. ये कंडीशन है कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज छोटा होना चाहिए, किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज. इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट, ये न्यूमेरिकल के लिए वैलिड है. और अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखें तो वेक्टर E इज इक्वल टू लिमिट Q0 tends to 0 vector F upon Q0. Q0 tends to 0 का मतलब है कि जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए जिससे वो अपना खुद का कोई भी फील्ड क्रिएट ना करे, और जो हमें किसी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सोर्स चार्ज का वो एग्जैक्टली पता लग पाए. तो देखिए इसका एसआई यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होगा E का, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम न्यूटन पर कूलम, और इसका एक और यूनिट है जिसको बोलते हैं वोल्ट पर मीटर. इसको अपन चैप्टर नंबर थर्ड में पढ़ेंगे, जहां अपन पोटेंशियल पढ़ेंगे वहां पे इसका ये फॉर्मूला आ जाएगा वोल्ट पर मीटर, डेफिनेशन आ जाएगी इसकी. E इज इक्वल टू
ई का जो यूनिट होगा वो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होगा। और डायमेंशन, डायमेंशन डायमेंशन क्या होगी, देखिए ई की डायमेंशन, ई का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो ई की डायमेंशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, फोर्स की डायमेंशन होती है एम वन एल वन टी माइनस टू, और चार्ज की डायमेंशन होती है ए वन टी वन। तो बताइए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होगी, एम वन एल वन टी वन ऊपर जाएगा तो टी माइनस थ्री ए माइनस वन। और एक इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, डायरेक्शन होती है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो फोर्स की डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन में होगी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए डायरेक्शन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन से रिलेटेड स्पेशल पॉइंट्स, इनको हमेशा याद रखना है आपको। पहला पॉइंट है फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है, अब इस प्लस क्यू चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, देखिए सपोज कीजिए मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाना चाहता हूं, तो यहां मैं कैसे चार्ज कर दूंगा क्यू नॉट, ये पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इस सोर्स चार्ज के थ्रू इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का होगा या अट्रैक्शन का होगा। तो आप देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो गई वो बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, रेडियली आउटवर्ड्स है या रेडियली इनवर्ड्स है, आपकी डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड्स बाहर की तरफ है। अगर इस पॉइंट में निकालूं तो टेस्ट चार्ज को यहां रखो तो फिर रिपल्सन होगा, यहां रखे तो इधर होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड्स, किसके लिए, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए। दूसरा बात देखें, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का मतलब है क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, जीरो। फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज मतलब चार्ज की वैल्यू नेगेटिव है, कब होगी, जब क्यू की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। उस कंडीशन में जैसे मान लीजिए ये चार्ज है माइनस क्यू, और इस पॉइंट पर निकालना है तो यहां टेस्ट चार्ज को रखेंगे प्लस क्यू नॉट को, तो मुझे बताइए माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, फोर्स कहां लगेगा, अंदर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रेडियली इनवर्स। रेडियली इनवर्स, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली इनवर्स होगी, वो रेडियली आउटवर्स, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली इनवर्स होगी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है तो हमेशा याद रखना, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्स बाहर की तरफ होगा, और नेगेटिव चार्ज के थ्रू किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो रेडियली इनवर्स होगी, अंदर की तरफ होगी। अब बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हमें किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हमें किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए लेट सपोज ये अपना कोई पॉइंट चार्ज है टू, जो O पर प्रेजेंट है, ओरिजिन मान सकते हैं इसको, O पर प्रेजेंट है, हमें इस पॉइंट चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट लिया है हमने P, इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। पॉइंट चार्ज Q से स्मॉल r डिस्टेंस पर P पॉइंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है।
अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए अपन P पॉइंट पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देंगे। हमने P पॉइंट पर किसको रख दिया? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट को प्लेस कर दिया। अब एक चीज बताइए, ये जो Q चार्ज है, जो ये सोर्स चार्ज है, वो पॉजिटिव नेचर का है सपोज, और टेस्ट चार्ज भी किस नेचर का है? पॉजिटिव नेचर का है। तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, वो रेडियली आउटवर्ड्स लगाएगा, बाहर की तरफ लगाएगा। मैंने इस फोर्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लिया वो ले लिया आर कैप। आर कैप किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। और जब फोर्स इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी किधर होगी? इसी डायरेक्शन में होगी, फोर्स की डायरेक्शन। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड्स होगा, बाहर की तरफ होगा। हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो P पॉइंट पर है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। इस टेस्ट चार्ज Q नॉट पर इस पॉइंट चार्ज Q के थ्रू लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपन निकालेंगे। वो कितना सपोज किया अपने वेक्टर F, वेक्टर F इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला था 1/4πε0, K की जगह 1/4πε0, तो फोर्स का फॉर्मूला था K Q1 Q2 r2। तो K की जगह 1/4πε0, ε0 मतलब वैक्यूम में निकाल रहा हूं, एयर और वैक्यूम। तो 1/4πε0 पहला चार्ज है Q और दूसरा चार्ज कौन सा है? Q0, दोनों का प्रोडक्ट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r, r का स्क्वायर। और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या लिया मैंने? r के। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया किस पर? Q0 चार्ज पर। किसके थ्रू? Q चार्ज के थ्रू। अब अपन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे अपन P पॉइंट पर। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, वेक्टर E इज इक्वल टू जो फोर्स लग रहा है उस पे अपन टेस्ट चार्ज का डिवाइड कर देंगे, वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट। तो फोकस करो बच्चों, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F, वेक्टर F क्या निकाला अपन ने? 1/4πε0 Q0 अपॉन r स्क्वायर, डायरेक्शन के लिए r के, डिवाइडेड बाय किससे हो जाएगा? Q0 से। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर और डायरेक्शन के लिए r के। r कैप किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है? r कैप इज अ, इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेक्टर f और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E। तो अपने ये फॉर्मूला जो आ गया पॉइंट चार्ज के थ्रू r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर इनटू r के। अगर केवल मैग्नीट्यूड निकालें, इन मैग्नीट्यूड में देखूं फॉर्मूला, इन मैग्नीट्यूड तो E इज इक्वल टू क्या आएगा? वेक्टर हट जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर, या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं E is equal to 1/4πε0 की जगह K Q upon R square। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। तो बच्चों, पॉइंट चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया है इन एयर और वैक्यूम, वो आया E is equal to 1/4πε0 Q upon R square। अगर मैं बात करूं मीडियम में, इन मीडियम, अगर मैं मीडियम में बात करूं तो E का जो फॉर्मूला होगा मीडियम में, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा मीडियम में, वो क्या होगा? 1/4
4 pi, मीडियम के लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. वी नो दैट जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू किसके आएगा, एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, एप्सिलॉन आर. देन ईएम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम, ईएम इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की जगह आएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ये मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. अगर मैं वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालूं, E नॉट अपॉन EM अगर निकालो तो E नॉट वैक्यूम में जो फॉर्मूला आया है वो आया है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और मीडियम में जो फॉर्मूला आया वो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो यहां से अगर कैंसिल आउट करूं तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर से क्यू अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर कहां जाएगा ऊपर, तो E नॉट अपॉन EM इज इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन आर. तो मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड का 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स होगा. कहने का मतलब एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, 1 से ग्रेटर होती है, एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, तो मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वैक्यूम से इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा. मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि कोई भी पॉइंट चार्ज है उसके थ्रू किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर वैक्यूम में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डिस्टेंस पर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखा तो कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो आपका आंसर होगा वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कंपेयर टू मीडियम में, क्योंकि जो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वैक्यूम के इलेक्ट्रिक फील्ड का 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स होगा और एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, जिससे मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम के इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा. तो इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा पॉइंट चार्ज के थ्रू वो होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. बच्चों पॉइंट चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया E इज इक्वल टू वो आया है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. अब यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब सपोज कीजिए पॉइंट चार्ज क्यू है, इससे किसी डिस्टेंस पर एक ए पॉइंट है और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है बी. अगर आपसे ये पूछे कि इस क्यू चार्ज के थ्रू किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो आप फोकस कीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जिसकी डिस्टेंस कम होगी, जिस पॉइंट की डिस्टेंस सोर्स चार्ज से कम होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा. मैं सपोज कर लेता हूं ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई ए है, और बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई ही है, तो आप बताइए कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा. क्यू से ए तक की जो डिस्टेंस है वो आर ही है, और क्यू से बी तक की जो डिस्टेंस है आर भी है, तो आप फोकस कीजिए आर ए इज लेस देन आर बी, तो ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बी से ज्यादा होगा. अगर मैं ई और आर के बीच में ग्राफ बनाऊं, ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, ई और आर के बीच में अगर ग्राफ बनाऊं ई और आर के बीच में, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू किसके है 1 अपॉन आर स्क्वायर. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा, और E और 1 अपॉन आर स्क्वायर के बीच में अगर ग्राफ बनाऊं, E और 1 अपॉन आर स्क्वायर के बीच में, तो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ आएगा आपका स्ट्रेट लाइन. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आ सकते हैं कि ग्राफ प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन E एंड R फॉर अ पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज के थ्रू किसी डिस्टेंस आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो हमें ई और आर के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का शेप का आएगा, और अगर ई और आर 1 अपॉन आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है तो वो इस तरीके का आएगा. अब बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज. मतलब हमारे पास एक सिस्टम है बहुत सारे चार्जेस का, मैनी चार्जेस का, उस सिस्टम के थ्रू, उस चार्जेस और सिस्टम के थ्रू हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. कैसे निकालेंगे देखिए,
टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। इसको अपन ने प्रीवियस लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने एक सिस्टम के थ्रू, सिस्टम ऑफ चार्जेस के थ्रू किसी पॉइंट पर या किसी चार्ज पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला था। सेम प्रोसीजर से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। फोकस करें, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हो गई आपकी जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है। इसमें एक सिस्टम रखा हुआ है जिसमें एन चार्जेस हैं। इस चार्ज का वैल्यू क्यू वन है, इसका वैल्यू क्यू टू है और इसका वैल्यू क्यू एन। क्यू वन चार्ज का जो पोजिशन वेक्टर है वो आर वन वेक्टर है। क्यू टू चार्ज का जो पोजिशन वेक्टर है वो आर टू वेक्टर है और क्यू एन चार्ज का जो पोजिशन वेक्टर है वो आर एन वेक्टर है। हमें पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए, मैं मान लेता हूँ सारे चार्जेस जो हैं उनके थ्रू पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ क्यू वन चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने मान लिया ई वन वेक्टर है। Q1 से P तक का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, तो R 1 से P की तरफ लग रहा है, Q1 से P की तरफ लग रहा है, तो इनिशियल पोजीशन 1 और फाइनल पोजीशन P है, तो पहले 1 और फिर P, R1 P वेक्टर। इसी तरीके से Q2 चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ले लिया E2 वेक्टर। अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट होगा Q2 से P की तरफ लग रहा है तो R इनिशियल पोजीशन 2 और फाइनल पोजीशन P, R 2 P वेक्टर। इसी तरीके से Qn वाला भी चार्ज प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने लिया En वेक्टर। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, Qn से P की तरफ लग रहा है तो मतलब फाइनल इनिशियल पोजीशन जो है वो तो N है और फाइनल पोजीशन जो है वो P है, तो इसको अपन लिखेंगे R इनिशियल पोजीशन N फाइनल पोजीशन P, R एंड P वेक्टर। अब हमें P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको मान लेते हैं E। What is E? E है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। जो E पॉइंट, P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन सभी इलेक्ट्रिक फील्डों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस सो ऑन प्लस En वेक्टर। अब फोकस कीजिए, E वेक्टर इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए यहां पे पहले वाले चार्ज के लिए चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्यू वन अपॉन डिस्टेंस कितनी है आर वन पी का स्क्वायर और डायरेक्शन के लिए आर वन पी कैप, क्योंकि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा आर वन पी कैप, दूसरे के लिए आर टू पी कैप और nth वाले के लिए आर एन पी कैप। ऐसे दूसरे के लिए क्या आएगा, k q2 upon r2p का स्क्वायर और डायरेक्शन के लिए r2p cap प्लस so on प्लस en के लिए k qn upon rnp का स्क्वायर rnp cap। अब देखिए बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, k कॉमन आ रहा है, क्या रिमेनिंग रह रहा है, पहले में q1 upon r1p का स्क्वायर r1p cap, दूसरे वाले में क्या रिमेनिंग रह रहा है q2 upon r2p का स्क्वायर r2p cap प्लस so on प्लस इस वाले में क्या रिमेनिंग रह रहा है qn upon rnp का स्क्वायर rnp cap। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में निकालूं, वेक्टर इज इक्वल टू k समेशन सिग्मा हावे i इज इक्वल टू 1 टू n। अब पहले में देखिए Q1 आ रहा है, दूसरे में Q2 आ रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से N, ऐसे यहाँ पे R1P, R2P, मतलब R1P, फिर R2P, फिर RNP, तो मैं इसको लिखता हूँ Q1 की जगह क्या लिखूंगा QI, आपको नीचे देखिए R1, 1 से 2 हो गया तो RIP का स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या आएगा R1 से 2 हो गया 2 से,
आर वन पी कैप, आर टू पी कैप, आर एन पी कैप, तो मैं से आर आई पी कैप लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एट ए पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो अपने पास एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, जिसमें एन चार्जेस हैं क्यू वन क्यू टू और क्यू एन। क्यू वन का पोजिशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है आर वन, इसका आर टू और इसका आर एन। पी पॉइंट जो है इसके थ्रू क्यू वन चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई वन है, क्यू टू चार्ज के थ्रू ई टू है और क्यू एन चार्ज के थ्रू ई एन है। अब डिस्प्लेसमेंट जो होगा क्यू वन से पी की तरफ वो आर वन पी वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या होगा डायरेक्शन के लिए आर वन पी कैप, ऐसे इसका आर टू पी कैप वेक्टर और आर टू पी कैप, इसका आर एन पी वेक्टर और आर एन पी कैप। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पी पॉइंट पर वो इन सभी इलेक्ट्रिक फील्डों के वेक्टर सम के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो वेक्टर ई इज इक्वल टू ई वन वेक्टर प्लस ई टू वेक्टर प्लस सो ऑन प्लस ई एन वेक्टर। ई वन पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए के किस चार्ज के थ्रू है क्यू वन, डिस्टेंस कितनी है आर वन पी का स्क्वायर और डायरेक्शन आर वन पी कैप। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर देंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज हैं आपके पास, दो चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और नेचर अपोजिट, मतलब दो चार्ज का नेचर अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का अमाउंट सेम है, दोनों एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए, बहुत कम डिस्टेंस पे रखे हुए, एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस से स्लाइटली सेपरेटेड है। तो ऐसे कॉन्फिगरेशन को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक डायपोल। दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर और दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम लेस बहुत बहुत मिनिमम है, ऐसे कॉन्फिगरेशन को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या, व्हेन टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर आर प्लेस्ड, व्हेन टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर आर प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, देन दिस कॉन्फिगरेशन इज नोन एज that this configuration is known as electric dipole. When two charge of same magnitude and opposite nature are placed at a very small distance from each other, at a very small distance to each other, then this configuration is known as electric dipole. दो चार्ज देखिए, ये दो चार्जेस हैं माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू है लेकिन एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, मतलब अपोजिट नेचर के हैं और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, मैंने सपोज करी टू वे डिस्टेंस है, बहुत कम डिस्टेंस है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे HCl है, HCl, NaCl, ये सब आपके इलेक्ट्रिक डायपोल हैं। कैसे हैं देखिए, HCl को समझते हैं, ये H प्लस आयन और ये Cl माइनस आयन, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है होता है 1.28 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए ये H प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज Cl माइनस, इस पे एक प्रोटॉन की इक्वल चार्ज है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन की इक्वल चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1.28 एंगस्ट्रॉम, बहुत कम डिस्टेंस है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो कोई भी पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, तो आप बोलोगे व्हेन टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू ईच अदर, देन दिस कॉन्फिगरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसी से रिलेटेड टर्म्स है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उसके दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है
अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का अपन प्रोडक्ट कर दें तो जो आपको उस प्रोडक्ट को बोलते हैं अपन उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। डायपोल के इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर दें उस क्वांटिटी को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और उसको डिनोट करते हैं पी से। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट देखिए, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है, 2a। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा उसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, डिनोट किसे करते हैं p से, वेक्टर p। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा, वेक्टर p इज इक्वल टू इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड q है तो किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लिया q और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2a। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें q into 2a तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज ऑफ डायपोल एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज ऑफ डायपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, किस किस का प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और जो दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज ऑफ डायपोल एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज ऑफ डायपोल, इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी जो डायरेक्शन होती है इस डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम हवे नेगेटिव चार्ज टू कौन से चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। अब देखिए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल का, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का, तो देखिए पी का जो ऐसा यूनिट होगा, पी चार्ज का यूनिट होता है कूलाम सी और डिस्टेंस का यूनिट होता है कूलाम इंटू मीटर। तो सी ऐसा यूनिट क्या हो गया इसका, कूलाम इंटू मीटर और सी जी एस यूनिट होता है इसका डिवाइड। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो सीजीएस यूनिट होता है वो डिवाई होता है, वन डिवाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 30, वन डिवाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कूलाम इंटू मीटर। एक डिवाई में 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कूलाम इंटू मीटर होते हैं। डायमेंशन बता सकते हो डायपोल मूवमेंट का, डायमेंशन क्या होगा P का, हाँ भाई P का फॉर्मूला है Q into 2A, चार्ज का डायमेंशन A1 T1 और 2A मतलब डिस्टेंस है, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन होता है L1। तो बताइए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायमेंशन क्या हो गया, L1 A1 T1, ये डायमेंशन हो गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, डायपोल के दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड
और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट करेंगे तो अपन को इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट मिलेगा। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम्ब इनटू मीटर। फार्मूला क्या होता है? पी इज इक्वल टू क्यू इनटू 2a। 1 dy इज इक्वल टू 3.3 इनटू 10 की पावर माइनस 30 कूलम्ब इनटू मीटर। डायमेंशन क्या होती है? l1 t1 a1। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपने पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उस इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन पर कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। पहला अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन है क्या है? तो बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों चार्ज को जो इमेजनरी लाइन ज्वाइन करेगी उस इमेजनरी लाइन को बोलते हैं अपन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन की डेफिनेशन क्या है? एन इमेजनरी लाइन विच ज्वाइनिंग बोथ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल is called axial line। जैसे मान के चलो ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, ये ए पॉइंट पर प्रेजेंट है और ये बी पॉइंट पर प्रेजेंट है, इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है ये आपकी पूरी एक्सियल लाइन है। ए और बी माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच का जो टोटल डिस्टेंस लिया था वो लिया था अपने 2a। क्वेश्चन आता है सर आपने 2a क्यों लिया, a क्यों लिया? भाई कैलकुलेशन आगे इजी करने के लिए हम 2a डिस्टेंस ले रहे हैं, a डिस्टेंस लेंगे तो हाफ डिस्टेंस a बाई 2 होगी और सेकंड हाफ डिस्टेंस a बाई 2 होगी, तो जो कैलकुलेशन होगी वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। उस कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स होने से बचाने के लिए अपन टोटल डिस्टेंस ले रहे हैं 2a। इस इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मिड पॉइंट है वो अपन ने कंसीडर किया O। तो मुझे बताओ माइनस क्यू से ओ पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो ए होगी, कितनी डिस्टेंस होगी? ए। और ओ से बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है मतलब प्लस क्यू चार्ज की जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी? ए। अब हमें इस इलेक्ट्रिक डायपोल के की एक्सियल लाइन पर यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है पी, और इस पी पॉइंट की इस मिड पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। मिड पॉइंट ओ से एक्सियल लाइन पर जो पॉइंट P है उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R है। तो मुझे एक चीज देख के बताइए, B पॉइंट से मतलब प्लस Q चार्ज से इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी? देखो O से P तक की जो डिस्टेंस है, O से P तक की जो डिस्टेंस है वो है R, और O से B तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? A। तो बताइए B से P तक की डिस्टेंस कितनी होगी? R माइनस A। सिमिलरली माइनस Q चार्ज से P पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? देखो O से P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो R है, O से P तक की R, और O से A तक की जो डिस्टेंस है वो A है। तो मुझे बताइए A से P तक की डिस्टेंस कितनी होगी? R प्लस A। ये यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो प्लस Q चार्ज के थ्रू P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड्स होता है। तो देखिए प्लस क्यू चार्ज के थ्रू पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड्स होगा, इसको मैंने मान लिया ई वन वेक्टर बाहर की तरफ। और दूसरा चार्ज कौन सा है? माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज भी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो माइनस क्यू चार्ज के थ्रू पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेगेटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनवर्स, तो माइनस क्यू चार्ज के थ्रू पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्स होगा, वो होगा ई टू वेक्टर। तो फोकस करो P पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए E1 वेक्टर और E2 वेक्टर। E1 वेक्टर जो है वो प्लस क्यू चार्ज के थ्रू P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो E2 वेक्टर है वो माइनस क्यू चार्ज के थ्रू P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सबसे पहले हम E1 वेक्टर निकालेंगे और E2 वेक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, इसको ई वन ले लिया हमने, ई वन इज इक्वल टू
हाँ भाई, पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था KQ अपॉन R स्क्वायर। तो मुझे बताइए K चार्ज कितना है, Q मैग्नीट्यूड लेके चल रहा है चार्ज का, Q डिस्टेंस। हाँ भाई, यहाँ से इस P पॉइंट से P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R माइनस A। तो R माइनस A का होल स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, मतलब B से P की तरफ लग रहा है, B पॉइंट से P पॉइंट की तरफ लग रहा है, इधर लग रहा है। तो एलॉन्ग बीपी वेक्टर, इसको इक्वेशन नंबर क्या लिख देते हैं, फर्स्ट। ये तो हो गया प्लस क्यू चार्ज के थ्रू पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन। अब निकालेंगे अपन माइनस क्यू चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस क्यू। माइनस क्यू चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए अपन यहां देखते हैं ई टू इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला लगेगा के क्यू अपन आर स्क्वायर, के चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना, माइनस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू। अब डिस्टेंस देखिए, इस ए पॉइंट से मतलब माइनस क्यू चार्ज से टी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस ए, आर प्लस ए का, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू किधर की तरफ है, इधर की तरफ, P से A की तरफ है, इधर की तरफ है, P से A की तरफ है। तो along P A vector, इसको equation number क्या मान लेते हैं, second। अब देखो बच्चों, P point पर दो electric field है, E1 और E2। E1 की direction इधर है, मतलब B P vector के along है, और E2 की direction P A vector के along है, दोनों opposite direction में है दोनों vector। और जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से, सब्ट्रैक्शन से। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड हो जाते, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा वाले में से कम वाले, ऑब्वियसली। अब मुझे एक चीज बताइए, देख के बताइए, E1 is equal to है KQ upon R minus A का whole square, और E2 is equal to है KQ upon R plus A का whole square। देखिए इसका न्यूमरेटर R minus A, और इसका R minus A का whole square, और इसका R plus A का whole square, मतलब R plus A का whole square बड़ा है। ये वैल्यू फिक्स है दोनों में, तो जब किसी फिक्स वैल्यू में बड़ी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो E2 की वैल्यू छोटी होगी और E1 की वैल्यू क्या होगी, बड़ी। तो हियर E1 इज ग्रेटर देन E2, तो रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो P पे जो एक्सियल लाइन पर है ई एक्सियल, हाँ भाई, E1 बड़ा है किससे, E2 से, E1 is greater than E2, तो E1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन E2 को, EXL, E1 की वैल्यू है KQ, KQ अपन R minus A का होल स्क्वायर, बीच में E2 की जगह आएगा KQ अपन R plus A का होल स्क्वायर, EXL, दोनों में से कॉमन आ जाएगा KQ, क्या मिलेगा, वन माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। देखिए ई एक्सियल इज इक्वल टू के क्यू। अब फोकस करें बच्चों, एलसीएम जो आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहां क्या रिमेनिंग रहेगा, R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं E एक्सियल इज इक्वल टू के क्यू, देखिए R प्लस ए का होल स्क्वायर ओपन करें तो R स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, बीच में माइनस है। अब R माइनस ए के होल स्क्वायर ओपन करें तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR। आप लोग नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको अपन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। e एक्सियल इज इक्वल टू के क्यू, इसको सॉल्व करें, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर, माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, टू ए आर टू ए आर, ई एक्सियल के क्यू इंटू फोर ए आर अपॉन
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज सुनिए, मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायग्राम बनवाया था अभी, जो डायग्राम था वो ये था, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये मिड पॉइंट ओ, ये रेजिस्टेंस ए और ये रेजिस्टेंस ए। माइनस क्यू चार्ज के थ्रू ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, प्लस क्यू चार्ज के थ्रू यहाँ पॉइंट बी लिया था मैंने, ये जो डिस्टेंस थी यहां से यहां तक की वो आर थी, ये डिस्टेंस आर माइनस ए थी और ये डिस्टेंस थी आर प्लस ए। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो ई वन आ रहा था प्लस टू के थ्रू और इसके थ्रू आ रहा था ई टू वेक्टर। अब मैंने कंडीशन दी है, इफ पॉइंट पी लाइज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, मतलब अपना ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो छोटा है और ये जो पी पॉइंट है ये बहुत दूर है, बहुत दूर, तो मतलब पी पॉइंट जब दूर होगा तो ये जो आर डिस्टेंस है मिड पॉइंट से पी तक की जो डिस्टेंस आर है वो इस ए के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी या नहीं होगी। इफ पॉइंट पी लाइज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, पी पॉइंट बहुत दूर है तो ये जो आर डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस ओ और पी, पी बहुत दूर है आपका, तो ये जो आर डिस्टेंस होगी वो इस ए से बहुत बड़ी होगी। देन R is very very greater than A and R square is very very greater than क्या होगा A square, R square A square से बहुत बड़ा है, R square is very very greater than A square है, then A square will be negligible as compared to R square, तो जो A square होगा वो negligible होगा किसके कंपैरिजन में आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में देखिए, देन ई एक्सियल इज इक्वल टू के क्यू इनटू 4 ए आर अपॉन, कंपैरिजन नीचे हो रहा है, ए स्क्वायर बहुत छोटा है किससे आर स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर को नेगलिजिबल लेंगे तो क्या रिमेनिंग रहेगा आर स्क्वायर माइनस जीरो का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो देखिए तो देखो बेटा ई एक्सियल इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4 ए आर अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर 4, आर से आर 4 को कैंसिल आउट करेंगे, ई एक्सियल इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4 ए अपॉन आर क्यू। अब मैं इसको थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लिख रहा हूँ, ई एक्सियल के क्यू 4a को मैं लिख रहा हूँ 2a इंटू 2 अपॉन आर क्यू। वी नो डैट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू 2a, ठीक p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, तो देखिए यहाँ पे q इंटू 2a आ रहा है नहीं आ रहा है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ई एक्सीएल इज इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा 2k क्यू इंटू 2a की जगह p अपॉन आर क्यू, ये एक्सीएल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ई एक्सीएल 2k p वेक्टर अपॉन आर क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए p के ऊपर वेक्टर आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर वेक्टर आ गया 2k p वेक्टर अपॉन आर क्यू। मतलब जो एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। मैंने आपको बताया था डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज, मतलब ए से बी की तरफ होगी। अब पी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई1 और ई2, ई1 बड़ा हुआ ई1 ग्रेटर था किससे ई2 से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई1 की डायरेक्शन में आएगा इधर, तो मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर आ रही है इधर, तो जो आपका एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होगी। तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो है 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यू, ये ऑलवेज रिमेंबर करना है और बोर्ड एग्जाम में ये मोस्टली पूछा भी जाता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट
ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इस डेरिवेशन को आप ढंग से कीजिएगा, अच्छी तरीके से कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन फाइंड आउट करना सीखेंगे। आज तक अभी के लिए इतना ही काफी है।